ये जरूरत क्या आन पड़ी है कि इतने बतौर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है कि केजरीवाल ने कितना घोटाला कर दिया? पब्लिक को एक मैसेज देना है, केजरीवाल ने पब्लिक के पैसे को कैसा मिसयूज किया, कैसे इन लोगों ने 6-6 करोड़ के अपन देखो इसमें बना रखी पूरी क्या क्या कमार बोले, 6-6 करोड़ का मार, 9-9 लाख के पर्दे, 10-10 लाख के टॉयलेट, ये क्या है? पब्लिक का पैसा तो सिर्फ आपने घस लिया, पैसे कहाँ से आए पैसे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी। दरअसल हम लोग कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं और कैनॉट प्लेस का जो आपको दृश्य दिखाएंगे, ये दृश्य देख लीजिए, ये दृश्य जो है कोई महज एक ऐसे स्तंभ टाइप का नहीं है, बल्कि ये वो छवि है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बताई जा रही है। ये उनका शीश महल है, राजमहल है, जिस पर आरोप लगा है कि 52 करोड़ रुपए का ये महल तैयार किया गया था और उसके अंदर का वो पूरा नक्शा ही उस तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर हर कोई जो है यहाँ पर दृश्य इसका लेने आ रहा है और चर्चा हो रही है कि आखिर 2024 नज़दीक है और लगातार जिस तरीके पार्टियों में रात कतरार देखी जा रही है और उस बीच आखिर इतना बड़ा विज्ञापन करने की ज़रूरत क्या है, और उसके बाद जब इतना आरोप लगा हो और आरोप इस कदर लगे हों कि मुख्यमंत्री जो खुद दिल्ली के सीएम हैं उन पर लगे हों, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से राजमहल तैयार हुआ है क्या कुछ बताएंगे? जनता का पैसा केजरीवाल ने अपने ऐश आराम के लिए बंगला बनाया है, उसको ये पता नहीं कल मतलब कोई और सीएम बनाएगा, पर उसने सोचा मैं तो सदाबहार सीएम रहूंगा, क्यों दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने वाला नटवाला मिल गया दिल्ली के अंदर, फ्री में रेवड़ी बांटना, फ्री में बसेज लेडीजों बैठाना, फ्री के मतलब या क्या बोलते हैं इसको राशन पानी देना है और फ्री में बोतल बांटना, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल ने छोटे छोटे बच्चों को बोतल पीना शराब पिलाना सिखा दिया है। हम ये कहेंगे इसका जो पब्लिक का पैसा है इसको इस हिसाब से इसका ऑडिट किया जाए, उसको तिहाड़ भेजना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईमानदारी की बात होती है, कहते हैं कि मेरी ईमानदारी वजह यही है कि आज मुझे दिल्ली ने चुना है और यही वजह है मेरी ईमानदारी इतनी भारी पड़ जाती कि कभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ नहीं पाती है, तो क्या कुछ लगता है कि ईमानदारी पर एक सबसे बड़ा प्रहार किया गया है? ईमानदारी तो कहा मेरे पास 2 कमरों का मकान होगा, मेरे पास कोई गाड़ी बंगला नहीं होगा, मैं बच्चों कसम खाता हूँ मैं कुछ नहीं लूँगा जिंदगी में। आप देखा आपने कितने बंगले इसके पास में, कितना इतना करोड़ का पब्लिक का घोटाला किया है इसने। केजरीवाल के सारे जो 3 मंत्री जी तो तिहाड़ जेल में बैठे हैं, 4th नंबर जाने वाला नंबर दिसंबर तक निकल जाएगा अभी, क्यों पब्लिक का पैसा भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार ने आजाद जैसे ईमानदार था उसको लेके आगे बढ़ा गए, अन्य एक सिंपल आदमी को, शरीफ आदमी को, उसको आगे चेहरा दिखा भाई ये अन्ना राजा जी, उसको मतलब यूज करके और पब्लिक को बेवकूफ बना के पब्लिक लूट गया है। लेकिन ये क्यों अक्सर विपक्ष ये बात कहता है कि विपक्ष की चौखट पे जैसे ही ईडी और सीबीआई पहुंचती है सारा ब्लेम जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो ईडी और सीबीआई को भेज रही है? लालू हो, ममता हो, या अपने ये केजरीवाल हो, ये ईमानदार आपको देखें कितना भ्रष्टाचार लोगों ने किया। लाल को मतलब पहले ईडी पहले नहीं थी कांग्रेस टाइम पे, जब लाल तिहाड़ जेल में वहाँ जेल में पड़ा था, अब तक भी 20 साल से जेल में रहा है और अब निकला है, वहाँ उस टाइम नहीं थी बीजेपी थी उस टाइम पे, मतलब ईडी काम है, गवर्नमेंट काम है करने को, एजेंसी है काम करने की, फ्री है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट तो इनका बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब कुछ नहीं समझती, ये तो अपने आप को भगवान समझते हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट केजरीवाल निकला दिल्ली के अंदर, इन्हें क्या किया दिल्ली में, किसी स्कूल नहीं बनाए, किसी हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई रोड नहीं बनाया, अब देखो ना मैं उसको पहाड़ को कूड़े के ढेर खत्म कर दूँ, क्या हुआ गली गली में कूड़ा पड़ा है, आपने देखा इस बच्चों देखा है ना, कहाँ के ईमानदार हो गए, सारे पैसे उनको खा गए। लेकिन आज जरूरत क्या आन पड़ी है कि इतने बतौर इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके प्रचार जिस तरीके से किया जा रहा है कि केजरीवाल ने कितना घोटाला कर दिया? पब्लिक को एक मैसेज देना है, केजरीवाल ने पब्लिक का पैसे को कैसा मिसयूज किया, कैसे इन लोगों ने 6-6 करोड़ के अपन देखो इसमें बना रखी है पूरी क्या क्या कमार बोले, 6-6 करोड़ का मार, 9-9 लाख के पर्दे, 10-10 लाख के टॉयलेट, ये क्या है? पब्लिक का पैसा तो सिर्फ आपने घस लिया, पैसे कहाँ से आए पैसे? एक नौकरी करने वाला कहाँ से इतना पैसे लाया? आज वह मतलब हेलीकॉप्टर घूम रहा है पंजाब को, दिल्ली से सीएम बना दिया पंजाब का, वहाँ खालिस्तान बना दिया लोगों ने, शराबी बना दिया, क्या है सब ये सब? भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं हो रहा है कि दिल्ली की सत्ता जो है केजरीवाल संभाल रहा है, रास ये पब्लिक बताएगी, अभी 24 आ रहा है फिर 25 आ रहा है, दिल्ली बताएगी इस रास हुआ है नया, मैं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पब्लिक कह रही है, वो तो अपना मालूम पड़ जाएगा, अब 6 महीने रह गए। तो देखिए
बेस्ट है मैंने बाकी 2024 के लिए, और उस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल के बड़े घोटाले को दिखाने का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के साथ में यहाँ पर जो मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ों का जिक्र किया और बताया है कि किस तरीके से केजरीवाल जो ईमानदारी की बात करते थे लेकिन धरातल पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो साफ तौर पर पता चलता है, और ये बात जनता के बीच जानी चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर पूरा जो है सेटअप लगाया गया है उनके 52 करोड़ के महल का। फिलहाल तब तक के लिए अपने रेडियो पर कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।